कि कोई शख्स हमको बैठा हुआ या कोई हुकूमत बाहर बैन अल-अक़वामी बैठे हुए हमको हम शर्मिंदा हैं अपनी जायज डिमांड्स के ऊपर भी. विच इज वाई आई मेंशन F-16, विच इज वाई आई मेंशन कि आप जो होने जा रहा है शुड बी नॉट हैव वेरी क्लियर एंड वेरी अपराइट इमेज एंड स्टांस के नहीं भाई हमारा एक रोल है. लेकिन वो क्रेडिबिलिटी या वो खुद मुख्तारी तो ऑब्वियसली तब आती है जब आपका स्टैचर इतना बड़ा हो और स्टैचर हमारा स्टूप करता हुआ दिखाई दे रहा है. टेक अ ब्रेक है, वापस आएंगे और इस बात बारे में भी आपसे पूछेंगे कि मोदी को हाईएस्ट सिविल अवार्ड सऊदी अरेबिया में हाल ही में दिया गया और हमारी जो इंडिया टिल्ट है हमें क्या फायदा हो रहा है. लेट्स टेक अ लिटिल ब्रेक एंड वी विल बी बैक इन अ कपल ऑफ मिनट्स. स्टे विद अस. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं तब्दीली रहम खान के साथ और तब्दीली कोई आ नहीं रही पाकिस्तान में. हमारे हालात भी वही हैं, हमारे बच्चे जहरीले पानी उनकी किस्मत बन गई है. तालीम का तो दूर दूर तक नाम निशान नहीं दिखाई देता और करप्शन वो वबा वो डिजीज जो कि हम देख रहे हैं बर्दाश्त कर रहे हैं साला साल बर्दाश्त कर रहे हैं. और फॉरेन पॉलिसी और हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं उसकी तरफ तो हमें फुर्सत ही नहीं है. अभी तक हमारा फॉरेन ऑफिस खाली है और चूंकि ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी तो प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सोचा कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है तो अपने पास ही रखें. पास रखने का क्या फायदा हुआ है, इंडिया टिल्ट हमें दिखाई देती है. बहुत से लोगों का ख्याल है अपोलोजेटिक स्टांस है लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को हाईएस्ट सिविल अवार्ड सऊदी अरेबिया में हाल ही में दिया गया. इसके अलावा F-16 के ऊपर जिस तरह से US कांग्रेस में बहस हुई और जिस तरीके से एक तरह से हमारी तजलीली हो रही है क्योंकि जो अल्फाज इस्तेमाल किए वहां कांग्रेसमैन ने उनके मुताबिक हमारे साथ एक पनिशिंग टैक्टिक के तौर पे ये F-16 को विदहोल्ड किया जा रहा था और उसके बारे में बहस छिड़ी है. लेकिन वी डोंट हैव अ स्ट्रांग वॉइस कि जो बात कर सके कि जी क्यों हमें F-16 की जरूरत है और इस तरह से हमारे बारे में बात नहीं करना चाहिए, किस तरफ टिल्ट होनी चाहिए किस तरफ टिल्ट नहीं होनी चाहिए, हमें US चाइना और पाकिस्तान का बीच में जो रोल है उसको किस तरह से बैलेंस करना चाहिए. हसन निसार साहब आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये निश्चित उनके साथ है. हसन निसार साहब आपका क्या ख्याल है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए इसमें? रेहान पहली तो मेरी गुजारिश ये है कि खारजा अमूर या फॉर दैट मैटर इंटरनेशनल रिलेशंस उन मानों में मेरा बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं है. एक दो तो चीजें मैं आपको बुनियादी वैसे अर्ज कर देता हूँ, एकेडेमिक किस्म की हैं, आफाकी सच्चाइयां जैसे कहते हैं जो आज से हजार साल पहले भी ठीक थी, आज भी और हमेशा रहेंगी. जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए कल भी ऑक्सीजन चाहिए थी, आज भी पानी चाहिए, कल भी चाहिए, आज भी आए, इस तरह की कुछ चीजें. पहली बात यह है कि नेशन स्टेट्स बन जाने के बाद भी आज तक हमें उसकी वजह है ना कि लीडरशिप का अपना को क्लास कैलिबर पन पर से लोग होते हैं. ये ब्रदर इस्लामी, ये क्या ब्रदर इस्लामी, इस्लामी तारीख नहीं पढ़ी कभी, मुसलमानों की तारीख, इस्लामी तारीख और चीज है. तो ब्रदर इस्लामी कब था? तो एक खानदान कभी ब्रदर नहीं रहा, एक दूसरे की गर्दने मारते रहे, ब्रदर इस्लामी. अच्छा वही जो आपका एक हैंग ओवर खत्म होने में नहीं आ रहा भाई, अगर वो इट्स अ रियलिटी, सऊदियों ने जो किया ठीक किया है. बेशुमार मुसलमान मुल्कों के इसराइल के साथ क्या ताल्लुक है, आप अपना स्टांस देख लें. कोई यहां तो खौफ आता है ऐसा ही बात करते हुए, लेकिन बंदे का बात होगा दिल फटता है कि बड़ा आपका लाडला बच्चा अगर ट्रैक पे ना चढ़ रहा हो, वो उसके ग्रेड्स ठीक ना आ रहे हों, उसकी बाप मोहल्ले से शिकायतें आ रही हों, तो उसको बदबख्त बाप होगा जो फिर भी कहेगा शाबाश बेटा तू मेरा नाम रोशन करेगा. बाप पीटेगा कि बेटा ये तुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, तुझे अपने आप को बेहतर करना है, तूने दुनिया के साथ कंपीट करना है. सो मैं बाद बड़ा अपने आप अपनी लगामें खींच के मैं बात कर रहा हूं, सऊदी अरेबिया क्यों ना करे भाई, हमारे और उनके मसाइल मुख्तलिफ हैं. हमारा हाल क्या है, कभी अमेरिकन के गदागरों की तरह आई वाज अ किड, एक बैग्स व्हीट के बैग्स होते थे, उस पर दो हाथ ऐसे शेक हैंड करते हुए, एक अमेरिकन फ्लैग एक पाकिस्तानी फ्लैग, ठीक है उस सार थैंक यू अमेरिका लिखा हुआ होता था, गदागर भिखारी, ठीक है मुल्क अपनी हिमाकतों की वजह से टूट रहा है डूब रहा है, ये अमेरिकन का इंतजार कर रहे हैं उनका 7th फ्लीट आएगा. तो मैं तो कहता हूं कोई वो कल क्लेम कर देंगे कि हम बनी है. अब हेनरी कसिंजर ने लिखा है कि भाई शट अप कॉल इंदिरा गांधी को 11th आर, वो इधर भी मुंह कर रहे थे. तो चीजों को अगर आपने देखना ही नहीं मानना ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि भाई तुम जा रहे हो बाहर निकलाओ तुम्हारी छत गिरने वाली है, वो कहेगा मेरी छत तो किले की छत है भाई, तुम ममे लगते हो, तुम कौन हो, गिरेगी तो पूरा खानदान साफ हो जाएगा. अब चीन का दौरा पड़ा हुआ है, यानी इंतहा है. आपके बाद मुल्क आजाद होता है, आपसे बदतर वहां के लोग हैं, ग्रां खाब चीनी समझ रहे हैं, इकबाल ने कहा था, ठीक है चलिए, आबादी आपसे कई गुना ज्यादा, आजादी मिले 2 साल बाद, फिर जो कुछ हुआ तबाह कुन
लोंगमार्च जिसे मुंह उठा के कह देते हैं पता है ही नहीं, ये चपड़ कनाती है उठ के चलते हैं 50 किलोमीटर गाड़ियों पे बैठ के कहते हैं लॉन्ग मार्च, इनको शर्म भी नहीं आती, इनको पता नहीं लॉन्ग मार्च था क्या माओ का। अब उनके पीछे वो बरादर इस्लामी अब खुश हो रहे हैं कि एक और असामी आ गई याद, हालांकि इनको पता ही नहीं। अल्लाह से जिंदगी दे हम तो गलत साइड पे निकल गए। आप देखना इस मुल्क में यहां पाकिस्तानी कम नजर आएंगे, चीनी ज्यादा नजर आएंगे, एंड इट्स नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 10 ईयर्स। फिर क्या होगा मैं तफसील में नहीं जाता क्योंकि आज ये बात समझ नहीं आएगी। इतना हिंट जिसको थोड़ी सी भी जिसकी खोपड़ी काम कर रही हो काफी, वो भाई वो अपने मुफादात के लिए कर रहे हैं, साथ आपका भी कुछ चुंगा आपको मिल जाएगा, कोई जैसे कुछ शेर के गिरे हुए निवाले कोई इधर उधर, बस ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है और फलाना है। अच्छा एक बैलेंस एक तवाजुन रखना एक होशमंदी का सबूत, होशमंदी ये बहुत बड़ी बात है, विजन का होना बहुत बड़ी बात है। वो लैक करते हैं हम हर लेवल पे, मोमेंट टू मोमेंट जैसे इस मुल्क के अवाम जिंदा है इसी तरह ये कौम जिंदा है, इसी तरह बनती है इसी तरह बुनी जाती है नफ्सियात। अगर लोग मोमेंट टू मोमेंट कहीं फलां दी दिहाड़ी लग गई, ये दिहाड़ियों पे जिंदा एक रवैया है ओवरऑल। इकोनॉमिक कॉरिडोर माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बट जो माइंड सेट है मैं उसकी बात कर रहा हूं, कल 10 साल में ज्यादा कह रहा हूं, आप देखते जाओ होता क्या है। फिर ये बड़े दुमों पे चक्रें काट रहे थे जब सोवियत यूनियन कलैप्स किया, टूट गया टूट गया। आई वॉज यंग, मैंने उस वक्त भी लिखा था, मैं एडिट कर रहा था उस वक्त एक मंथली मैगजीन, जाहिर है उसकी रेंज 15-16 हजार वो छपता था। वो क्या दोस्तों को मैं कहता था कि यार इतने हम गए गुजरे जाहिल लोग हैं कि दुनिया में अब एक बदमाश रह जाएगा फिर वो क्या करेगा। अच्छा उसमें कोई इंटरनेशनल रिलेशंस या फॉरेन अफेयर्स को समझ की बात नहीं है, ये गांव शहर कस्बे मोहल्ले की एक एक, एक, एक बेसिक एक फैम है कि यार तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, उसने तुम्हें इस्तेमाल किया, उसको उसके उसके कलैप्स होने में तुम्हारा एक रोल है और तुम फुदक रहे हो, तुम्हें पता है बाद में क्या होगा। अच्छा अब जो अमेरिकन देखें बात सुने, पंजाबी में एक बड़ी क्रूड है पर तुम्हें भी मिलती जुलती होगी, जो कि विजडम तो वही है, जैसा मुंह वैसी चपेड़। तवाजुन कौन रख सकता है जिसमें कोई तरतीब होगी, तमीज होगी, कोई तरक्की होगी, कोई तामीर होगी, वो जिन्होंने मोमेंट टू मोमेंट जिंदा रहना है। अब हमारा बिल्कुल ही पलड़ा कभी इधर घुस गया कभी उधर, कभी उधर पाक चीन पाक अमेरिका दोस्ती और पता नहीं क्या क्या जुमला इस्तेमाल होता था, मुझे आज तक मंजर याद है। बशीर सारबान को उठा के ले गया कैनेडी के बाद जो आया था। आपकी इसी बात पे हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलेंगे, वक्त बहुत कम है और आपकी दिलचस्प बातें होती हैं। वो ऊंट गाड़ी जी हाजिर के साथ वक्त हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हाजिर निसार साहब की प्रोग्राम से जो बातें हमने 3 बातें लेंगे। हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहें, हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना